Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. और इस टॉपिक का आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आंसर्स फॉर द क्वेश्चन बैंक, जो HSC बोर्ड ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक जो रिलीज किया था, उस क्वेश्चन बैंक का जो हम लोग सॉल्यूशन है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये सॉल्यूशन टॉपिक का। ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वो दोनों टॉपिक के भी सॉल्यूशंस देख सकते हो। और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक सॉल्यूशन। और ये जो वीडियो है वो प्रीमियर है, बट मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ यहाँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे लाइव चैट में आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एक मार्क के लिए आएगा। उसमें पहले है शुगर डिजॉल्व इन वॉटर बिकॉज, शुगर वॉटर में क्यों डिजॉल्व होता है? क्योंकि इट is able to form hydrogen bonding with water. तो sugar जो है उसमें oxygen molecules होते हैं, hydroxide होते हैं, that is OH, और वो OH hydrogen bonding बनाते हैं water के साथ, और इसलिए sugar water में dissolve होता है। Next question है the solubility of gas in water is, तो जो solubility है वो gas का in water वो decrease होता है with increase in temperature. जैसे जैसे temperature increase होगा वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट द यूनिट्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर, तो यूनिट फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो है ऑप्शन बी मोल पर लीटर पर बार। तो ये लर्न ही कर ले, यूनिट फॉर हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज मोल पर लीटर पर बार। नेक्स्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का याद रखें, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट, वो टेम्परेचर, डिसोसिएशन, प्रेशर या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो जब भी आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यदि आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, या उसका मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का आप यदि सॉल्यूशन बनाए तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। बट उन्होंने पूछा है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब उस सॉल्यूशन में कम से कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। जितना कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पे यदि देखें तो इनमें से सॉल्यूशन का किसका सबसे जो कम है वेपर प्रेशर वो है 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें सबसे कम अमाउंट में जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट। बाकी सब में देखिए ज्यादा अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसमें सबसे कम अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है और इसलिए इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो लॉर्ड्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिपेंड नहीं करता है ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज. तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन एंड 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन. ठीक है, तो दोनों में देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है वो दोनों के लिए करेक्ट है. तो याद रखे यहां पे दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इसलिए ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए इनके बोथ सॉल्यूशन विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस इज दिस मच. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब के एच उस गैस का इतना है. इट्स सॉल्युबिलिटी व्हेन पार्शियल प्रेशर इज दिस मच, मतलब पी इज 0.65 बार. तो आपको पता लगाना है क्या, आपको पता लगाना है उसका सॉल्युबिलिटी. तो उसका सॉल्युबिलिटी कितना है, तो S इक्वल टू के एच पी, दैट इज इक्वल टू के एच कितना है आपका 6.7 इंटू 10^-4 इंटू पी कितना है 0.65, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 4.355 इंटू 10^-4 मोल पर लीटर. तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, वन मार्क के लिए. उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आपको हाइपर मींस हाई, तो याद रखिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा वो हाइपरटोनिक. तो यदि आप दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल है, मतलब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, उस केस में जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा और वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो दो सॉल्यूशन जिनमें अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जिसमें उनमें से जिसका जो है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का हाई रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा और वो कहलाएगा हाइपरटोनिक. नेक्स्ट है, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. तो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट मतलब केएफ, वो एक्चुअली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो वन मोल ऑफ सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसे कहेंगे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट केएफ. तो केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन एम. नेक्स्ट, राइट द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट वो जो है सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है देन प्योर सॉल्वेंट. तो हमेशा याद रखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा. नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, डेल्टा पी डिवाइड बाय P01 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01, जहां P01 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये याद रखें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट, स्टेट्स रॉल्ट्स लॉ. इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. तो कोई भी जो एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो भी वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन का, उसका पार्शियल प्रेशर हमेशा इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट, स्टेट्स हेनरीज लॉ. इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड
is directly proportional to pressure of gas over the solution. तो solubility of gas जो है liquid में वो किसको directly proportional है? Vapor pressure of gas over that solution. इसलिए S is directly proportional to P, but proportionality sign निकालने के लिए S equal to KHP, जहाँ S मतलब solubility of gas in mole per liter, P मतलब pressure of gas in bar, and KH is proportionality constant, जिसे Henry's law constant भी कहते हैं. Next, what type of solution exhibit positive deviation from Rod's law? तो Rod's law में two type of deviation दिखता है, एक positive, एक negative. तो positive deviation किस type of solution दिखाते हैं? तो जो solution में solute solvent intermolecular attraction weak होता है, then solute solute molecule interaction या फिर solvent solvent molecule interaction, वो solution जो है वो positive deviation दिखाएंगे. तो कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को यदि पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो उन्हें क्या करना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शंस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है, वो वीक होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्यूट से या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से. तो इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. ये जो है इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये दो सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं देन रॉल्स लॉ. नेक्स्ट, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन? तो एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज का जो आपको लिखना है कि क्या होगा एंथैल्पी में या वॉल्यूम में यदि आप दो कंपोनेंट मिक्स करें जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे. तो याद रखिए, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होते वक्त कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होता या एब्जॉर्ब नहीं होता जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए. इसलिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा? जीरो, क्योंकि हीट ना इवॉल्व हुआ ना एब्जॉर्ब हुआ. इसलिए डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन. वॉल्यूम के लिए भी वहां पे नो वॉल्यूम चेंज होता है जब दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो वॉल्यूम जो होता है आइडियल सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो आपने पहला कंपोनेंट x अमाउंट में लिया और दूसरा कंपोनेंट y अमाउंट में लिया, तो आइडियल सॉल्यूशन का जो अमाउंट हो x प्लस y होगा. तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है. तो वॉल्यूम में यदि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसलिए डेल्टा मिक्स v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो याद रखें, आइडियल सॉल्यूशन बनते वक्त हीट में भी कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज एंथैल्पी में भी नहीं और वॉल्यूम में भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इज दिस एंड दिस बार रिस्पेक्टिवली एट सर्टेन टेम्परेचर. व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज दिस मच? तो उन्होंने दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया है, ए और बी का. उन्होंने पूरा सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दिया है और आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो आपका फॉर्मूला ये है, P इक्वल्स टू P20 माइनस P10 इनटू X2 प्लस P10. तो अब याद रखिए, यहां गिवन पहले लिख लें, गिवन हमेशा पहले गिवन लिखना है आपको. तो उसमें P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट 0.600, P20 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट दैट इज 0.933 बार है दोनों, और P मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.8 बार. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करें, P क्या है 0.8, P20 क्या है 0.933 माइनस P10 0.6 इंटू X2 प्लस P10 है आपका 0.6. अब इसे सॉल्व करें तो ये होगा 0.8 इक्वल टू 0.333 X2 प्लस 0.6. Therefore, 0.333 X2 इक्वल टू 0.8 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.2. Therefore, X2 इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 0.333 विच इज इक्वल टू 0.6006. ठीक है, तो ये हुआ आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द
solute, that is X2. Next, the vapor pressure of pure liquid is this much, bar, okay, at certain temperature. When a non-volatile solute is dissolved in, the vapor pressure of solution becomes this much. So, pure solvent ka vapor pressure itna hai, vapor pressure of solution itna hai, matlab vapor pressure lowering ho raha hai. So, aapko calculate karna hai relative lowering in vapor pressure. So, relative lowering vapor pressure ka ye formula hai, delta P divided by P10 equal to P10 minus P1 divided by P10. So, dekhiye given kya hai. Given aapke paas hai P10 pure solvent ka vapor pressure, that is 0.043 bar, or P1 solution ka vapor pressure, that is 0.041 bar. Ab ye sab aapko yahan substitute karna hai. Therefore, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure is equal to P10, that is 0.043 minus P10.041 divided by P10, that is 0.043. अब इसे solve कीजिएगा, तो आपको answer मिलेगा 0.002 divided by 0.043, which is equal to 0.0465. तो इतने amount से आपका vapor pressure low हो रहा है. Next question. तो short answer questions type 1, 2 marks के लिए. For a very dilute solution, the osmotic pressure is this much, where V is the volume in liter and 2 is mole of non-volatile solute. आपको अब equation establish करना है for molar mass of solute. तो उन्होंने given है कि pi equals to, that is osmotic pressure is equal to N2RT upon V. If mass of solute in V liter of solution is W2. तो V liter of solution उन्होंने दिया है, उसमें यदि mass of solute है W2, मोलर मास है M2 सॉल्यूशन में, देन N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज N2 इक्वल टू W2 अपॉन M2. तो N2 का वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां जो N2 है तो उसको यहां पे जो N2 गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे W2 अपॉन M2 से. तो N2 की जगह लिखा मैंने W2 अपॉन M2, RT V ऐसे रह गया. अब M2 का आप ले लीजिए लेफ्ट साइड में, तो M2 is equal to, that is molar mass of solute is equal to W2RT divided by pi into V. तो ये हुआ equation for molar mass of solute. Next, distinguish between ideal and non-ideal solution. तो ideal and non-ideal solution का distinguish, 2 mark का question है, इसलिए सिर्फ मैंने 4 points लिए हैं. पर Rod's law के हिसाब से, तो ideal solution वो law follow करता है, non-ideal solution वो law follow नहीं करता. मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के हिसाब से, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो सेम होता है जैसे प्योर कंपोनेंट्स में होता है. तो दो प्योर कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन में भी वो इंटरैक्ट करते हैं. बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वीकर और सम टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इंटरैक्शन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, तो टोटल वेपर प्रेशर इज सेम एज प्रिडिक्टेड बाय रॉड्स लॉ, बट यहां जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ रॉड्स लॉ. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करें, तो यहां पे कोई भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए यहां एंथैल्पी 0 होता है. फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0, बट फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन heat is either absorbed or released. Heat absorb होगा या release होगा, इसलिए enthalpy of mixing कभी positive हो सकता है, यदि heat absorb हुआ हो या heat release हुआ हो तो negative, इसलिए delta mix is not equal to 0. Ideal solution का example ले, तो है benzene plus toluene, तो ये है ideal solution, that is benzene plus toluene. Non-ideal solution का example ले, तो इथेनॉल प्लस एसीटोन. तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये 5th पॉइंट है एग्जांपल का. तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये 5th पॉइंट एग्जांपल का. इतना भी आप लर्न कर ले तो 2 मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट. तो कोई भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्यों लो हो जाता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व करते हैं.
तो याद रखिए जो वेपर प्रेशर है कोई भी लिक्विड का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके सरफेस से, उस लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल कितने जल्दी एस्केप कर सकते हैं, कितने जल्दी उड़ सकते हैं, इवापोरेट हो सकते हैं। पर जैसे ही आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स कर दोगे, तो जो सरफेस के ऊपर जो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे सरफेस एरिया पे, वो रिप्लेस हो जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स बाय द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब सपोज यहां पे 10 पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे तो इजिली इवापोरेट हो रहे थे, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से सरफेस पे अब सिर्फ 7 वॉलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रह गए, और अब 3 जो है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने जगह ले लिए। बट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो तो पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है वेपर प्रेशर में, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वेपर में अबाउट द सॉल्यूशन, और इसलिए पहले 10 मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे और अब सिर्फ 7 नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते ही इसलिए वेपर प्रेशर लोअर हो गया। ये पहला रीजन। दूसरा, जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं वेपराइजेशन के लिए वो डिपेंड करते हैं पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वेपराइजेशन के लिए वो आपको डिसाइड करेंगे वेपर प्रेशर। बट सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अवेलेबल ऑन दिस पर सरफेस एरिया वो कम हो जाता है सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जगह ले लेते हैं, और जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है वेपराइज होने के लिए वो स्लोअर रेट पे वेपराइज होता है देन प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में खुद प्रेजेंट था इजिली वेपराइज हो रहा था, बट अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन वोलेटाइल वाले प्रेजेंट हो गए, इजिली वेपराइज नहीं हो रहा है क्योंकि उसको जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल रोक रहा है और इससे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहता है। तो दो रीजन है, पहला सॉल्यूट मॉलिक्यूल जगह ले लेता है सरफेस पे, तो उसकी वजह से वहां पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बचे हैं इवापोरेट होने के लिए वो इवापोरेट नहीं हो पा रहे, दूसरा नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं सरफेस पे इसलिए इवापोरेट नहीं हो रहे। तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इन व्हाट वे केएफ एंड केबी आर सिमिलर एंड इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। सिमिलर की बात करें तो जो केबी कॉन्स्टेंट है दैट इज इलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट केएफ, दोनों दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे डिपेंड करता है, तो केबी किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन पे और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे। तो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन इन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो किस पे डिपेंड करता है 1 मोलर सॉल्यूशन पे। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट पे किस पे डिपेंड करता है 1 मोलर सॉल्यूशन पे, दोनों भी 1 मोलर सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं और दोनों के जो ये है यूनिट है सेम है, Kf और Kb दोनों के यूनिट सेम है दैट इज केल्विन केजी पर मोल। तो याद रखें दो सिमिलरिटी कि दोनों भी 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे ही डिपेंड करते हैं और दूसरा दोनों की यूनिट कॉमन है। डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू KbM बट फॉर Kf डेल्टा Tf इज इक्वल टू KfM। ठीक है, ये होगी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन एंड 0.05 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड देन डिसाइड दैट व्हिच ऑफ द टू सॉल्यूशन हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन कैसे डिसोसिएट होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस में, तो 0.1 मोलर KCl देगा आपको 0.1 मोलर K प्लस प्लस 0.1 मोलर Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए सॉल्यूशन में 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2 मोलर। अब 0.5 मोलर Al2SO4 के लिए देखिए Al2SO4 डिसोसिएट होगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 माइनस, तो 0.05 मोलर Al2SO4 देगा आपको 2Al3 प्लस दैट इज 0.1 एंड 3SO4 माइनस दैट इज 0.15, तो 0.15 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.25 मोलर। तो किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, वो है Al2SO4 में, क्योंकि इसमें सिर्फ 0.2 मोलर मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है
और इसमें 0.25 मोलर पार्टिकल है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो हायर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट तो हायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसमें जो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा। पर Al2SO4 में हायर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है और इसलिए वो हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है Al2SO4 विल शो हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बिकॉज इट हैव हाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट। नेक्स्ट, when 50 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इट डिजॉल्व इन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 2 केल्विन। वॉट विल बी द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इट डिजॉल्व इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब आपके पास क्या प्रोवाइडेड है वो ध्यान दें। तो आपके पास देखिए अभी आपके पास क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो पहले प्रोवाइडेड के पहले देखिए आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला अपने आप हमेशा ध्यान आ जाना चाहिए, KB इज इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा TB इंटू W1 डिवाइड बाई 1000 इंटू W2, ठीक है, ये फॉर्मूला इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब हम गिवन देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, 50 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो पहले है हमारे पास W, 50 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट W2, सॉल्यूट मतलब 2 वाले जो भी होते हैं सॉल्यूट होते हैं, 1 वाला जो भी होता है सॉल्वेंट होता है। तो W2 कितना है हमारे पास, 50 ग्राम, ठीक है। फिर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन दैट इज डेल्टा TB कितना है, 2 केल्विन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन व्हेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दैट इज W1 और W1 डैश। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, देखो ये जो पहला पार्ट है वो पहले सॉल्यूशन के बारे में है और ये दूसरा पार्ट दूसरे सॉल्यूशन के बारे में, पर दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है। तो W1 इज इक्वल टू W1 डैश ऐसे लिखेंगे। और अभी W2 डैश मतलब एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम, और आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा TB डैश। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा TB डैश। तो ये फॉर्मूला हो गया KB के लिए। अब KB जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी सॉल्यूशन हो सेम सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है विद सेम सॉल्यूट, KB विल बी कांस्टेंट। सेम सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब सेम सॉल्वेंट है सेम सॉल्यूट है तो KB हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट कुछ भी हो। तो KB इज कांस्टेंट सो इट इज विल बी कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन दोनों सेम है कि दोनों में सेम सॉल्यूट है, दोनों में सेम सॉल्वेंट है, सिर्फ अमाउंट वेरी करता है। इसलिए KB इक्वल्स टू M2 इंटू डेल्टा TB इंटू W1 डिवाइड बाई 1000 इंटू W2 विच इज इक्वल टू M2 डैश इंटू डेल्टा TB डैश इंटू W1 डैश डिवाइड बाई 1000 इंटू W2 डैश, क्योंकि ये एक सोल्यूशन के लिए हुआ ये दूसरे सोल्यूशन के हुआ, KB दोनों में कॉन्स्टेंट है। तो W1 डैश और W1 कैंसल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 कैंसल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा डेल्टा TB अपॉन W2 इक्वल्स टू डेल्टा TB डैश अपॉन W2 डैश। तो डेल्टा TB कितना है, 2, W2 कितना है, 50 इक्वल टू डेल्टा TB डैश क्या है मुझे नहीं पता तो मुझे पता लगाना है, डिवाइड बाय W2 डैश कितना है, 30। अब इसको सॉल्व कीजिए, देयरफॉर डेल्टा TB डैश इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1.2 केल्विन। तो डेल्टा TB डैश कितना हो गया, 1.2 केल्विन। नेक्स्ट, राइट आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2-3 मार्क्स। पहला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है
with the help of boiling point elevation of solvent. So delta TB equals to KBM for boiling point elevation. Suppose अब हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे हम लोग W 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं W 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो M 2 यहां पे क्या हुआ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट W 1 कितना होगा, W 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम पर केजी, दैट इज W 1 अपॉन 1000 केजी. तो मोलालिटी क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. इसलिए हमने सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें मोलालिटी निकालना है. तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, W2 अपॉन M2, तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, W1 अपॉन 1000, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो अब इसे ठीक से अरेंज करें तो ये हो जाएगा 1000 मतलब मोलर मास स्मॉल m इक्वल टू 1000 W2 डिवाइड बाय m2 इनटू W1 मोल पर केजी. तो अब ये जो वैल्यू है स्मॉल m का, अब आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM और m का वैल्यू क्या है, अब 1000 इनटू W2 अपॉन m2 इनटू W1. तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट किया, इसे मैंने ठीक से रीअरेंज किया कि मैंने M2 को राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, तो हो गया M2 इक्वल टू 1000 इनटू KB इनटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा TV इनटू W1. तो यहां पे सारे टर्म्स याद रखें, M2 होता है क्या, होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB आपका इलियोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, डेल्टा TV बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन, W1 गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ टेसल ट्यूब. तो ये टेसल ट्यूब का डायग्राम है जो आपको लर्न करना होगा. अब इस डायग्राम में याद रखें ये जो सर्कुलर और ये जो पार्ट है मतलब ये वेसल के अंदर जो डीप ये पूरा पार्ट है ये है आपका टेसल ट्यूब. अब इस ट्यूब के जो सरफेस पे है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दिया जाता है इधर सरफेस पे, ठीक है, और इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल किया जाता है जिस सॉल्यूशन को मतलब जिस सॉल्यूशन से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करना है. तो जो भी सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट है उस ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाएगा, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन फिल है. और फिर ये ट्यूब को अलोंग विद दैट सॉल्यूशन पार्ट और मेम्ब्रेन पार्ट डीप किया जाता है इन्वर्ट करके, देखो उल्टा कर दिया गया है ये ट्यूब को और उसको डीप कर दिया गया है एक वेसल में जो प्योर वाटर से भरा है. तो ये वेसल है जो प्योर वाटर से भरा है उसमें इस ट्यूब को उल्टा कर दिया गया है. इस ट्यूब के अंदर क्या है, शुगर सॉल्यूशन और सरफेस पे एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. अब जैसे ही ये ट्यूब को उल्टा कर दिया जाएगा ऑस्मोसिस शुरू होगा, मतलब अंदर है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर है प्योर सॉल्वेंट मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड. तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाले में मूव करेगा, मतलब सॉल्वेंट पास होने लगेगा थ्रू मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन, ठीक है. तो जो प्योर सॉल्वेंट है वाटर वो पास होगा थ्रू मेम्ब्रेन इनटू शुगर सॉल्यूशन और इसके वजह से यहां पे ट्यूब में वाटर का अमाउंट इंक्रीज होगा और इसलिए वाटर लेवल इस ट्यूब में इंक्रीज होता रहेगा. बट ये लिक्विड कॉलम ट्यूब में जो अंदर घुस रहा है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करने वाला है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब अचीव हो जाएगा मतलब एक लेवल ऑफ वाटर बन जाएगा अंदर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अचीव हो जाएगा. तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है अब जो वाटर अंदर घुस रहा है उसको उतनी ही ताकत से वापस बाहर के साइड भेजेगा, तो उतनी ही ताकत से वो पुश करेगा सॉल्वेंट को थ्रू मेम्ब्रेन इनटू अगेन इनटू द कंटेनर. तो पहले तो वाटर अंदर घुस रहा था थ्रू ऑस्मोसिस जिससे वाटर का लेवल अंदर इंक्रीज हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उतने ही ताकत से वापस उस वाटर जो अंदर घुसा है उसको वापस कंटेनर में भेज रहा है और वहां उस कंडीशन पे जहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो चुका है और वो वाटर को पुश करने लगा है उस सिचुएशन पे कॉलम में जो लिक्विड है वो राइज होना स्टॉप हो जाएगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट बना लेगा, उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं. इस स्टेज पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है
इनफ है फोर्स करने के लिए आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन थ्रू वापस बाहर जाने के लिए और कंटेनर में मिल जाने के लिए, उतने ही रेट से जितने रेट से सॉल्वेंट पहले अंदर घुस रहा था। तो सॉल्वेंट पहले अंदर घुस रहा था, फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ, अब वो सॉल्वेंट को वापस उतनी ही ताकत से बाहर भेज रहा है, जिसकी वजह से वह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स पैसेज में। और हाइट ऑफ द कॉलम इस कंडीशन पे जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, ना हाइट बढ़ रहा है ना घट रहा है। और ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो यहां पे क्रिएट हुआ है, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है यहां क्रिएट हुआ क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है। और इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, जहां एच होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब, रो होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब आपको ऑस्मोसिस का फिनोमिना एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन सॉल्यूशन, देखो ऑस्मोसिस में एक वेसल लिया जाता है जिसमें एक साइड में सॉल्यूशन एक साइड में सॉल्वेंट दोनों रखा जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किया गया है। अब जो सॉल्वेंट है ऑफ कोर्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेगा, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन से ये सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट याद रखिए ये मूवमेंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे नहीं मूव करता, अपोजिट भी थोड़ा सा होता है। बट जो अपोजिट, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहां पे ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहां पे कम अमाउंट में, पर सॉल्वेंट तो दोनों तरफ प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में भी जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, बट वो कम होता है क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ज्यादा मूवमेंट कहां से होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वहां पे रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज्यादा है। तो रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन इज फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये फेवरेबल है सिंस, क्यों ये फेवरेबल है, क्यों ज्यादा मूवमेंट जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर है देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए जो ऑस्मोसिस है या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और जिससे नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन टू सॉल्यूशन इज फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, राइट, विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, एक्सप्लेन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इनटू इट, ठीक है। तो आपको एक कर्व लेना है, ये वाला जो डायग्राम वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जिसमें आपको दिखाना है वेपर प्रेशर टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, विद कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है और ये सॉल्यूशन का कर्व है। तो जो यहां पे आपको क्या ड्रॉ करना है ग्राफ में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट अगेंस्ट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस पे आप रखोगे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे रखोगे वेपर प्रेशर। तो कोई भी टेम्परेचर पे, यहां पे देखिए कोई भी टेम्परेचर पे, आप पूरे इस एक्स एक्सिस पे मूव कीजिए, कोई भी टेम्परेचर आप ले लीजिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लो देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो कोई भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लो है देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इसलिए वेपर प्रेशर कर्व सीडी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कर्व कौन है सीडी, लाई बिलो द सॉल्वेंट कर्व एबी। तो सीडी का कर्व जो सीडी है वो हमेशा सॉल्वेंट के नीचे ही लाई करता है। तो अब आपको यदि क्या करना है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 mm पे यहां पे एक लाइन एक्सटेंड करना है
और इस लाइन को एक्स एक्सिस पे लाना है, तो आप देखोगे डेल्टा टीवी और डेल्टा सॉरी टीवी और टीवी जीरो, ये दो आप मार्क करोगे। तो टीवी जो होगा वो होगा दैट इज यहां पे टीवी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट फॉर योर सॉल्यूशन, और जो टीवी जीरो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देखोगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखिए बाद में आ रहा है इस लाइन में, तो यहां से जीरो से आप शुरू करोगे और हंड्रेड की तरफ मूव करोगे, जीरो से आप हंड्रेड की तरफ मूव करोगे तो हमेशा आप क्या फाइंड आउट करोगे, तो जीरो से आप हमेशा हंड्रेड की तरफ मूव करोगे तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि, तो जीरो से हंड्रेड की तरफ मूव करते हो कि ये फाइंड आउट करोगे आप एक मिनट हाँ, तो जीरो से आप हंड्रेड की तरफ मूव करते वक्त ये फाइंड आउट आप करोगे कि जो टेम्परेचर है मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो सॉल्वेंट का है वो हमेशा लेस है देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इज डेल्टा P is equal to X2P10, जहां X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, P10 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड डेल्टा P है जो है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इस क्वेश्चन के दो सब पार्ट है, तो पहला सब पार्ट तो हमने डायग्राम से एक्सप्लेन किया, दूसरा आपको एक्सप्लेन करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इलिवेटेड है व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्विंग इन, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्यों बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्यों बढ़ता है अब आपको ये बताना है। तो एट एनी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है 1 एटमोस्फियर पे, ठीक है, तो कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा 1 एटमोस्फियर। तो यदि आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को दोनों को बॉइल करना है, यदि आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट दोनों को बॉइल करना है और उनको वो बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाना है तो दोनों का एटमोस्फेरिक प्रेशर को आपको 1 एटमोस्फियर करना होगा, सॉल्यूशन के भी बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर को और सॉल्वेंट को भी। जब दोनों का वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर होगा तभी दोनों बॉइल होगा, ठीक है, तो कोई भी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा लो होता है देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसलिए हम वेपर प्रेशर लोअरिंग कहते हैं, करेक्ट। तो कोई भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लो है देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्यूशन को 1 एटमोस्फियर वेपर प्रेशर अटेंड करने के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा और सॉल्वेंट को 1 एटमोस्फियर वेपर प्रेशर अटेंड करने के लिए लो टेम्परेचर लगेगा, और इसलिए सॉल्यूशन जो है वो बॉइल होता है एट हायर टेम्परेचर और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इनिवेशन होता है देन प्योर सॉल्वेंट। तो इन शॉर्ट क्या है पूरा इसका जो कंक्लूजन वो है कि कोई भी लिक्विड को बॉइल होने के लिए 1 एटमोस्फियर वेपर प्रेशर चाहिए, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को 1 एटमोस्फियर वेपर प्रेशर अटेंड करना होगा यदि उनको बॉइल होना है तो, और कोई भी गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है आपका सॉल्यूशन का वो लो रहता है, ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन को 1 एटमोस्फियर वेपर प्रेशर अटेंड करने के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा और सॉल्वेंट को कम टेम्परेचर, इसलिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए जिसका मोलर मास 6 ग्राम पर मोल है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मीन सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर with a solution containing 8.55 gram of solute B, 8500 ml. So what is the molar mass of B? तो अब isotonic word use किया है इसलिए obviously यहाँ पे osmotic pressure वाला जो relationship use करना है, तो osmotic pressure का relationship है pi equals to W2RT upon M2V which is equal to W2 dash RT
अपॉन एम टू डैश वी डैश। अब मैंने ये क्यों लिखा है मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो सोल्यूशन का उन्होंने रिलेशनशिप दिया है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है और ये वाला जो है वो बी सोल्यूशन का, मतलब ए कंपोनेंट इन दिस सोल्यूशन एंड देन बी कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, इसलिए मैंने दोनों के जो टर्म्स लिखे हैं। तो अब आपके पास गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन लिखने के पहले यहां देख ले, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का सेम है क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इसलिए मैंने पाई को कॉमन रखा है। पाई कॉमन क्यों रखा है, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो ए सोल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर बी सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल है, इसलिए बाकी के टर्म्स भी ए सोल्यूशन के और बी सोल्यूशन के टर्म्स भी इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है आर और टी सेम है इसलिए कैंसल होंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू डैश अपॉन एम टू डैश इन टू वी डैश। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे आप देखें गिवन, तो पहले हम ए सोल्यूशन की बात करेंगे, तो ए में जो डब्ल्यू टू है वो है 3 ग्राम, करेक्ट, तो ए में एम टू भी है 60 ग्राम और ए में जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो है 1 लीटर, दैट इज 1000 ml, इसको ml में कन्वर्ट करना ना भूले। अब सेकेंड सोल्यूशन में दैट इज डब्ल्यू टू डैश में बी है 8.55 ग्राम, एम टू दैट इज मोलर मास ऑफ बी, देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ बी हमें पता लगाना है इसलिए तो हम यहाँ कर रहे हैं, और फिर जो वी डैश है हमारा ये एम टू डैश था, वी डैश है जो है वो 500 ml है। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर डब्ल्यू टू क्या है 3, एम टू क्या है 60 इंटू वी है 1000 इक्वल टू डब्ल्यू टू दैट इज 8.55 अपॉन एम टू डैश मुझे तो पता लगाना है इंटू 500, देयरफॉर एम टू डैश इसे पूरा आप सॉल्व करें तो एम टू डैश इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल, तो एम टू डैश कितना हुआ 342 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस मच, तो वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का सर्टेन टेम्परेचर पे कितना है इतना बार, सो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि आप ये क्वेश्चन देखें तो उन्होंने आपको पूछा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका जो फॉर्मूला है फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो ये है P10 minus P1 divided by P10 equal to W2 into M1 divided by M2 into W1, तो ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। तो इसमें आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहां पे गिवन क्या क्या है, तो गिवन इस क्वेश्चन में गलती है इसलिए मैं बता रही हूं इतना, तो गिवन इसमें क्या क्या है, आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है P10 दैट इज 0.227 bar, वो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर उसके बाद है W2 भी उन्होंने दिया हुआ है आपको 6, फिर है M2 दैट इज 60 ग्राम, फिर आपको दिया हुआ है W1 दैट इज 50 ग्राम, बट आपको यहां पे जो है M1 नहीं दिया हुआ है और M1 वो देना भूल चुके हैं जो आप नोट डाउन कीजिए 15.5 ग्राम, याद रखें यहाँ पे M1 15.5 ग्राम है जो वो देना भूल चुके हैं, तो वो है एक्चुअली गिवन रहेगा एग्जाम में, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो M1 गिवन रहेगा। ठीक है, अब आप ये सब वैल्यूज की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज P1 फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 0.0227 minus P1 divided by 0.0227 equal to 6 into 15.5 divided by 60 into 50, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा 0.0227 minus P1 is equal to 0.0007, तो therefore P1 is equal to 0.022 bar, तो P1 क्या हुआ 0.022 bar। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विथ रीजन एंड डायग्राम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल
सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉड्स लॉ जो है फॉलो नहीं करते इन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो रॉड्स लॉ फॉलो करना बंद कर देंगे. और दूसरा कि उनका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है देन द प्योर कंपोनेंट. तो आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का हमेशा लो होता है देन प्योर सॉल्वेंट. बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है देन प्योर कंपोनेंट. तो डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ दो टाइप में दिखता है. पहला है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ जिसका ग्राफिकल डायग्राम ये है. और यहां पे जो पॉजिटिव डेविएशन है कौन दिखाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिकुलर जो अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो वीक होते हैं देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे. और जब वेपर प्रेशर है इन सॉल्यूशन का वो हाई होगा देन द प्योर कंपोनेंट. तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हाई है देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. और ये कौन दिखाता है, जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस वीक होते हैं. तो इन एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन, ये दोनों जो है पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, या कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. अब नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन. तो नेगेटिव डेविएशन का ये पूरा डायग्राम है. नेगेटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशन दिखाएंगे, तो नेगेटिव डेविएशन आपका वो सॉल्यूशन दिखाएगा जहां इंटरैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. तो जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीक होता है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और जहां सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है. और वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन में जो है वो लो होता है देन प्योर कंपोनेंट, इसलिए इसे नेगेटिव डेविएशन कहते हैं. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो देन द प्योर कंपोनेंट, याद रखिए, इसलिए नेगेटिव है. पॉजिटिव में क्या था, वो हाई था देन प्योर कंपोनेंट. और इसका एग्जांपल है फिनॉल एंड एनिनिल या फिर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट, गिव रीजन फॉर सच लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये आपका डायग्राम है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो तीन कर्व है, कर्व ए बी, कर्व बी डी एंड कर्व ई एफ. तो ये थ्री कर्व है, ठीक है. जो ए बी कर्व है वो है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका कर्व है ए बी. जो सी डी कर्व है वो है लिक्विड सॉल्वेंट का, और जो ई एफ कर्व है वो है कर्व फॉर द सॉल्यूशन. तो अब कर्व ए बी और सी डी जो इंटरैक्ट हो रहे हैं वो कहां पे हो रहे हैं, पॉइंट बी पे. तो ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट बी पे हो रहे हैं, और यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और यहां पे पॉइंट बी पे जो है लिक्विड फेज जो है, यहां लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट दोनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है. और यहां पे जहां दोनों फेजेस जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं और दोनों भी फेजेस जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है वहां दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाएंगे. और यहां पे जो टेम्परेचर है, जो पॉइंट बी पे आप टेम्परेचर उसको अलॉट करोगे वो हो जाएगा आपका टी एफ जीरो, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा पॉइंट बी. नेक्स्ट है, अब देखिए ए सी और ई एफ कर्व कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट ई पे. तो पॉइंट ई पे जो है सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों जो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम में है. यदि अब आप वो लाइन को एक्सटेंड करें तो जो टेम्परेचर उन्हें कॉरस्पॉन्ड करेगा वो टेम्परेचर होगा टी एफ, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो अब आपको TF0 दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है, TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया है. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अब यहां पर ध्यान से देखें तो आप देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जीरो से सपोज 100 की तरफ मूव कर रहे हो तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कम है देन द सॉरी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कम है देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये कर्व प्रूव करता है कि देयर इज लोअरिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता क्यों है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो है वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कि
इतने ज्यादा होते हैं कि उनका फेज ही चेंज कर देते हैं लिक्विड से सॉलिड की तरफ। तो जब भी आप प्योर लिक्विड को उनके फ्रीजिंग पॉइंट पे लाओगे तो उन मॉलिक्यूल से आपस में इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगा कि वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएंगे। बट जैसे ही सॉल्यूशन में आते हैं, वो यदि वो जो प्योर लिक्विड था अब आपने उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां सॉल्यूशन में आते ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो पहले क्या था, सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स से आपस में इंटरेक्ट हो रहे थे, बट अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स घुस गए हैं, और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ये दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन को जो है वो रिड्यूस कर रहा है, तो उनके इंटरेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होने के वजह से ये लिक्विड जल्दी से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, तो और भी ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर और भी लो करना पड़ता है जिससे इनके बीच में इंटरेक्शन हो सके और ये लिक्विड से सॉलिड में हो सके। जब वो प्योर कंडीशन में थे तो कम टेम्परेचर, मतलब सपोज जब ये प्योर स्टेट में है, जब सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो सपोज इनमें जो है -4 डिग्री पे ही ये लोग लिक्विड से सॉलिड बन रहे हैं, बट जब इनमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल घुस गया है तब इनको -12 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, और भी कम टेम्परेचर लग रहा है उनको लिक्विड से सॉलिड बनने में, क्योंकि उनके इंटरेक्शन का जो है वो कैपेसिटी कम हो रहा है क्योंकि सॉल्यूट बीच में घुस गया है। इसके वजह से यहाँ पे हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। ये सबको 1-1 मार्क है और टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली ऑस्मोसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और ये एक थीन फिल्म होता है ऑफ सेलोफेन जिसमें पोर्स होते हैं। ये पोर्स इतने लार्ज होते हैं कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का उनके थ्रू पास होना अलाउ करें। तो इनमें जो है ये ऑस्मोसिस, सपोज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पोर्स है और ये पोर्स इतने लार्ज होते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इनमें से पास होना अलाउ करते हैं, बट ये उतने ही स्मॉल होते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने से रोक देते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल को या सॉल्यूट आयंस को या हायर मॉलिक्यूल मास वाले सॉल्यूट्स को उनके थ्रू पास होने नहीं देते। मतलब वो लार्ज इनफ है सॉल्वेंट को पास होने देने के लिए बट स्मॉल इनफ है सॉल्यूट को रोकने के लिए, और इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली अलाउ करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हमने पहले भी देखा है कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो स्टॉप कर देता है ऑस्मोसिस को, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू और मोर सॉल्यूशन having same osmotic pressure, isotonic मतलब same osmotic pressure is called as isotonic solution. For example, 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution दोनों isotonic है क्योंकि दोनों के osmotic pressure जो है equal है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, so you can do that on askyourdoubt04@gmail.com, even in the comment box. और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू। इसका पीडीएफ जल्द ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब के लिंक पे भी, तो आप बने रह सकते हो मेरे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून।